एक डेढ़ चमचा चीनी तकरीबन, और ये है नमक। और ऑयल है तकरीबन 2 टेबल स्पून। चीनी, नमक, ऑयल, इंस्टेंट ईस्ट और 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है हमने। और अब इसमें डाल लूँ मैं नीम गर्म पानी से, इसको भूनना है ताकि इसको भून के रख दूँ, अच्छे से खमीर हो जाए। ये नहीं दिखाना ऐसे, बस नीचे ही दिखे तो खराब कर देंगी मेरा। हाँ देखो टीवी भी खुला हुआ है। कितनी ना दो, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे मैंने बनाई है सारी रेसिपी। कण के बना रहे हैं क्रश चिली डाल के अंदर। अलमीरा बदतमीजी नहीं करो, मैं बता रही हूं। अच्छा तंग करने में मजा आ रहा है। इसको हमने तवे में डाल दिया था, हमने इसके अंदर चिकन जी मैं आज खोल चलो पहले हो गया, चलो स्टार्ट करो। चीज हो गई या नहीं? चीज अलमीरा देखो क्रश हो गई या नहीं। मैं इसको पानी करती हूं। अभी आज हमने इसमें पिज्जे में ज्यादा चीजें इसलिए नहीं डाली, टमाटर वगैरह प्याज व्याज बस थोड़ा सा मिलेगा। हाँ ये बच्चियां निकाल देती है तो इसलिए मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डाल देते। बस सिर्फ शिमला मिर्च डालेंगे इसके अंदर हम चिकन के बाद। अच्छा वो आवाज कम करो, ये थोड़ी थोड़ी इसमें डालते हैं। हमने इसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है लहसुन का पाउडर है मेरे पास, लहसुन का पाउडर इसमें हम डालेंगे थोड़ा, इससे एक अलग फ्लेवर आता है इसमें ना। ज़ैनब कहाँ है? थोड़ा ऐसे हाथ से अभी शाम आवाज कम करो, जाओ मत, चीज नहीं हो रही। अलविदा एक मिनट, शिमला मिर्च है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे इसके अंदर, और ये मैं डालूंगी शिमला मिर्च भी ज्यादा नहीं डालेंगे, अभी ऊपर डालना है चीज के ऊपर डालेंगे इसके भी ऊपर। हाँ ये भी हम थोड़ी बस मिनट डालेंगे, फिर वो खाई भी नहीं जाती, बच्चे बच्चे भी सब अलग निकाल देते हैं ऐसे, तो उसी हिसाब से डालेंगे हम चिकन। थोड़ी सी हम और डाल देते हैं इसके अंदर, चिकन का फ्लेवर तो अच्छा है कम अज कम चिकन में। अच्छा मैंने तंदूरी मसाला लगा के रख दिया, और मैंने फजीता तंदूरी मसाला, थोड़ा पिज्जा फ्लेवर मिलता है सीजनिंग पाउडर ना, वो डाला हमने इसके अंदर, इसको मैरिनेट करके रख दिया था थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा हमारा पिज्जा फ्लेवर है सीजनिंग पाउडर चुका ये बोलो तो इसको खुशी से ये डाल दिया अभी हमने, हाथ धुलवाओ चीज पे सारा। वो अभी बना ले, रुके ही कर रहे हो इसे अभी मम्मा। अब हम ये क्रश चीज लेके आ गए थे हम लोग, ये वही है, ये इसमें मोज़रेला और चेडर चीज दोनों मिक्स मिलती है, तो ये वो वाली हम डालेंगे। आप लोग भी जरूर बना के देखिएगा, तवे पे बहुत अच्छा बनता है पिज्जा, नीचे से ना क्रस्ट क्रस्ट जो होता है वो मजा आता है उसमें। चलो मैं असल में पिज्जा उसमें पतीले में बनता है तो ज्यादा अच्छा वो भी बनता है, लेकिन इसमें जो है ना एक जो क्रस्ट आता है ना इसके अंदर नीचे जो डो में जो होता है वो चीज ना बड़ी मजे की आती है। अब चीज मेल्ट हो गई उसके बाद ही डालेंगे मैं। नहीं है मेरा मुझे तो। अब हमारे पास है मिक्स हर्ब, मैंने खोला हुआ है। ये क्या होता है? ये मिक्स हर्ब, इसमें रोजमेरी, थाइम, ओरिगानो, ये सब फ्लेवर है, ये इस पिज्जे के लाजमी होती है ये चीज है ना, ये डलेगी इसके अंदर। ये हम आज हम अपनी मम्मा के शेफ से सीख रहे हैं, मम्मा शेफ है हमारे। बंटू भाई आए तो हमने कहा चलो हम पिज्जा बना लें, बंटू भाई आए, मम्मा पिछली दफा मैंने क्या बनाया था? पिछली दफा हमने चीज पास्ता हमने नहीं मैंने मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ
देखती है चीज़ ज़्यादा। इसमें जो है ना हम थोड़ा सा जब ये रेड चिली क्रश डालते हैं ना ऊपर से तो एक अलग ही एक इसका लुक आ रहा होता है। भी डाला। वाह बहुत मजबूत इससे लगती है। अब हम जो इसका नॉर्मल बिल्कुल जो है ना हल्की आंच में जो है चूल्हा खोलेंगे इसका और इसको ऊपर से बिल्कुल जो है ना कवर कर देंगे। कम से कम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे सही अच्छे से कि ये ढक जाए। तो वीडियो तो मैं भी भेज दूंगा। भेजूं बन गया पिज्जा। मैं नीचे से दिखा ये देखिए और नीचे से तवे में ना ये होता है कि ये देखिए ये क्रस्ट देख रही है क्रस्ट नहीं क्रिस्प। मैं आपको भेजता हूँ मेरी वाली वीडियो अच्छी बनी है। तुम्हारी वाली अच्छी है। तुम्हारा मोबाइल भी तो अच्छा है ना इस चक्कर में अच्छी बनी होगी। आपका मेरा तकरीबन एक ही है। ये मजे का आता है। बस अभी चूल्हे पे से हटाना पड़ेगा नहीं तो वो ना हो जाए। अब मैं इसको माइक्रो में बस 2 मिनट रखूंगी तो उसमें रखा है ना मैंने। हमारा सेकंड पिज्जा बन चुका है। मम्मा नीचे से दिखाए मैं खुद ही देख लूंगी। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। क्रिस्प हो चुका है।